जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अयोध्या मंदिर की रामलला की मूर्ति के बारे में कुछ खास चीजें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं श्री राम के बाल रूप में मूर्ति को बनाया गया है, और जो वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया है, और श्री राम की श्यामल रूप में पूजा की जाती है, इसलिए इस मूर्ति का रंग काला है, इसलिए इसे श्यामशिला से बनाया है, और उस पत्थर की उम्र हजारों साल तक की होती है, और हमारे हिंदू धर्म में पूजा के समय भगवान का अभिषेक किया जाता है। आप तो जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान का अभिषेक किया जाता है दूध से, दही से, चंदन से, पानी से, रोली से और अन्य कई चीज़ों से, तो इस शिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह जो 51 इंच की मूर्ति है, यह लगभग 3 अरब साल पुराने पत्थर से बनाई गई है। ये जो पत्थर है, इस पत्थर की खुदाई मैसूर के HD कोटे तालुका में जयपुरा होबली में गुज्जे गोदानपुरा से की गई थी, और ये जो पत्थर है इसकी चिकनी सतह के कारण इसे स्टोन सोप स्टोन कहा जाता है। आमतौर पर यह मूर्तियां बनाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। रामलला मंदिर का यह जो केस है लगभग कुल 134 साल तक चला। 1885 में श्री महंत रघुवर दास जी ने सबसे पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दर्ज किया था। और क्या आप जानते हैं श्री बालक राम जी इस मंदिर के मालिक हैं। मूर्ति को बनाने वाले व्यक्ति कर्नाटक के श्री अरुण योगी राज जी हैं। उन्होंने इस मूर्ति में मानो जान डाल दी हो। यह मूर्ति एक ही शिला से बनाई गई है। इस मूर्ति का निर्माण श्यामशिला पत्थर से किया गया है, और रामलला की शोभा बढ़ाने वाले आभूषणों का निर्माण लखनऊ के हर साइमल श्यामलाल जी ज्वेलर्स ने तैयार किए। कुल मिलाकर 132 कारीगरों ने दिन रात काम किया है। इन आभूषणों को बनाने में लगभग 13 से 14 दिन लगे, और रामलला मूर्ति का जो मुकुट है उसे 15 किलो सोने, 18,000 हीरे और 600 पन्ना से तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए मुकुट में ठीक ऊपर एक बड़े पन्ने का प्रयोग किया गया है। मुकुट के बीच में भगवान सूर्य अंकित हैं। भगवान राम के बाएं हाथ में सोने का धनुष है, और दाहिने हाथ में सोने का बाण है, और इस मंदिर का दूसरा नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। सो फ्रेंड्स, यह थी रामलला मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें।